कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और किस्मत कब जमीन से आसमान तक पहुंचा दे ये भी किसी इंसान को नहीं पता। इसीलिए हमें सिखाया जाता है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या पता किस रूप में भगवान आपकी परीक्षा ले रहा हो, और भले ही उसमें देर हो पर अच्छे कर्म करने का हमेशा फल अच्छा मिलता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बता रहे हैं जिसे जानकर आप भावुक हो जाएंगे। 25 साल बाद मिला अच्छे कर्म का फल। जी हाँ, ये कहानी है एक सब्जी बेचने वाले की जो असम के तिनसुकिया में गली गली जाकर ठेले पर सब्जियां बेचा करता था। इस सब्जी वाले का नाम सोबरन है। एक दिन पहले रोज के काम के लिए ही सोबरन सब्जी बेचने निकला था कि उसे रास्ते में कूड़े के ढेर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। सोबरन ने जब करीब जाकर देखा तो कूड़े के बीच उसे नवजात बच्ची मिली। ये बात करीब 25 साल पुरानी है। सोबरन उस बच्ची को लेकर घर ले आया। सोबरन की उस वक्त शादी नहीं हुई थी। नवजात बच्ची को उसने खुद ही पालने का फैसला किया। उसने इस बच्ची का नाम ज्योति रखा। सोबरन ने इस बच्ची को अकेले अपने दम पर पाल पोस कर बड़ा किया। सोबरन इस बच्ची को खूब पढ़ाना लिखाना चाहता था और इसके लिए उसने खूब मेहनत की। बच्ची को अच्छी शिक्षा दिलाने के बाद सोबरन को बहुत खुशी हुई क्योंकि ये बच्ची पढ़ने में बहुत तेज थी। वायरल कहानी। कंप्यूटर साइंस से स्नातक करने के बाद ज्योति ने साल 2014 में असम लोक सेवा आयोग की PCS परीक्षा में भाग लिया। इस परीक्षा में ज्योति ने सबको चौंकाते हुए पहली ही बार में PCS परीक्षा को पास किया। इसके बाद ज्योति की सीधी नियुक्ति असम आयकर विभाग के सहायक आयुक्त के पद पर सीधी नियुक्ति मिली है। सोबरन के लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और अब ज्योति अपने पिता सोबरन के साथ अपने सरकारी बंगले में रहती है। सोबरन से जब पूछा गया कि आज अपनी बेटी को इस पद पर देखकर उन्हें कैसा लगा तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि उनकी बेटी के उनके 25 साल की मेहनत का उन्हें सबसे शानदार फल मिला है।